अब हम आपको ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जो फिल्मी नहीं सच्ची है। आपको भी वाराणसी की रहने वाली आस्था की कहानी जरूर सुननी चाहिए जो करोड़ों लोगों को प्रेरणा देने वाली है। रिपोर्ट देखिए। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। डरना नहीं यहाँ तू किसी भी चुनौती से, बस तू ही सिकंदर है सारे जहान का। ये कविताएं वाराणसी की रहने वाली आस्था पर सटीक साबित होती हैं। आस्था 34 साल से बिस्तर पर हैं और उनके शरीर की 100 हड्डियां टूट चुकी हैं। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है सर, और ये मुझे बचपन से था। पहला फ्रैक्चर मुझे वो 12 साल की उम्र में, सर उसके बाद 3-4 महीने के गैप के 6 महीने मॉम ने बताया सर, उसके बाद से फिर जैसे एक सीरियल सा चलने लगा। आस्था एक ऐसी बीमारी से ग्रसित है जो करोड़ों में से एक को होती है। आस्था के शरीर में 12 ऑपरेशन रॉड लगे हैं, लेकिन आस्था ने हार नहीं मानी। पिछले 6 सालों से मैं एनिमल्स की हेल्प कर रही हूँ। हम किसी को मरने नहीं देंगे, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो ह्यूमन हो। अगर वो मेरे सामने आता है और मुझसे कुछ भी बन पड़ा तो मैं जरूर करूंगी उसके। इंटीरियर विजुअलाइजेशन सर, विच मीन सर आप मुझे बस एक पेन पे डिज़ाइन भी अगर आप बना के दे देंगे तो मैं उसका पूरा 3D में वो घर कैसा लग गया, जैसा कि अभी मैंने दिखाया वो कैसा लगेगा, वो मैं पूरा बना के आपको दे दूंगी। कहते हैं माँ सबसे बड़ी ताकत होती है। आस्था आज जो कुछ भी बन पाई है वो माँ के आंसुओं की ताकत है। आस्था का ध्यान रखने के लिए उनकी माँ को अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ी। उस समय बच्ची को फ्रैक्चर भी रहता था, दवा भी देना रहता था, दर्द से बच्ची रोती भी रहती थी घर कमरे में अकेले बैठकर, लेकिन मैं स्वयं ही उसे अकेले ही देखा करती थी। आस्था उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणा है, वह उम्मीद की किरण है उनके लिए जो छोटी छोटी परेशानियों से निराश हो जाते हैं। आस्था ने वो कर दिखाया है जो एक आम स्वस्थ इंसान शायद सोचकर भी कर न पाए, और इसी तरीके की जो लड़कियां हैं आज हमारे देश का गौरव हैं, और इन्होंने ही वो प्रेरणा दी है उन सारी देश की लड़कियों को, उन सारी युवाओं को जो हताश हैं, निराश हैं। रेडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। चलिए बढ़ते आगे। चंदौली में काला चावल की खेती को लेकर किसानों में उत्साह है। काला चावल क्षेत्र के किसानों की उन्नति का साधन बनता जा रहा है। पीएम मोदी भी मन की बात में काले चावल उत्पादन किसानों की तारीफ कर चुके हैं। चंदौली का काला चावल जिसे अब किसान प्रशासन के साथ और पीएम के विश्वास से ग्लोबल ब्रांड बनाने की मुहिम में जुटे हैं। जिला प्रशासन भी किसानों का पूरी तरीके से साथ दे रहा है। प्रधानमंत्री ने मन की बात में काले चावल का जिक्र किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशानुरूप किसानों की आय को दोगुना करने के लिए 2018 में जनपद चंदौली में काला चावल की नवीन कृषि के क्षेत्र में नवाचार के रूप में खेती शुरू की गई है, जिसको सीमित स्तर पर किया गया था। वर्तमान में 1000 से अधिक किसान इससे जुड़े हुए हैं और 500 हेक्टेयर से अधिक में इसकी खेती की जा रही है। इसके मार्केटिंग के लिए एक काला चावल चंदौली काला चावल सोसाइटी गठित की गई है और उसमें किसानों को जोड़ा गया था। प्रशासन का साथ मिला तो किसानों ने भी चावल की पैदावार को बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा दिए। किसानों का कहना है कि काले चावल की पैदावार से दोगुनी आय के लक्ष्य को पूरा कर चुके हैं। सुबीर एग्रो के माध्यम से 8000 से लेकर 8500 रुपए प्रति क्विंटल के दर से बेचा, जो प्रधानमंत्री जी का सपना था कि किसानों की आमदनी दोगुनी करनी है, उस दोगुनी की जगह से धान के माध्यम से ही हम लोगों ने अपने आय को तिगुना किया था। जहां किसान और प्रशासन काले चावल की खेती को लोगों के सामने विकास की तस्वीर के तौर पर पेश कर रहे हैं, तो वहीं कृषि विशेषज्ञ इसको औषधीय उपयोग के लिए कारगर भी बता रहे हैं। देखिए, किसानों को लाभ इससे ये है ड्यू टू मेडिसिनल वैल्यू, क्योंकि इसकी मेडिसिनल वैल्यू है, ये शुगर फ्री चावल है। अगर हम बात करते हैं आमतौर पे जो भी चावल हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो BPT 5204 हो या MTU 7029 हो या मोती हो, तो जो भी चावल हम आमतौर पे यूज़ कर रहे हैं ड्यू टू मेडिसिनल वैल्यू के नाते जो है, जो हमारा ब्लैक राइस है उसकी वैल्यू हमारी बढ़ जाती है। ऐसे में काले चावल के औषधीय फायदे सामने आने के बाद मार्केट में काले चावल की मांग तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। वहीं किसानों और प्रशासन की कोशिश है कि विदेश में भी काले चावल की मांग की पूर्ति की जाए।
जिससे इलाके के किसानों को फायदा हो सके। चंदौली से अमित के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।